सब्सक्राइब कीजिए वर्ल्ड वाइड ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप कुमार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड ट्यूटोरियल चैनल को। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको अपने नए फ़ोन का अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं, जिसका नाम है रियलमी एक्स, जिसको मैंने अपने यूट्यूब के ही पैसे से लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और क्या इसके फीचर्स हैं, क्यों मैंने इस फ़ोन को लिया, ये सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे में जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है उसे क्लिक कर ले और उसके बगल में जो बेल का निशान दिया हुआ है उसे क्लिक कर ले, ताकि जो हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं इसको अनबॉक्स करने से पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये मोबाइल लिया क्यों। क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई कैमरा नहीं था वीडियो को शूट करने के लिए, और किसी से मोबाइल मांगना पड़ता था वीडियो शूट करने के लिए। इससे ये होता था कि कभी कभी मेरा वीडियो आता भी नहीं था, कभी आता था, बहुत दिन पे आता था, रेगुलर वे में नहीं हो पाता था। इसको लेने से एक फ़ायदा होगा दोस्तों कि वीडियो मैं जब चाहूँगा जब बना पाऊँगा और रेगुलर वीडियो आ पाएगी। ठीक है दोस्तों, और कैमरा मैंने सोचा था लेने का, लेकिन कैमरा इससे बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा था, लगभग 40-50 हज़ार का कैमरा आ जाता, इसलिए मैंने ये मोबाइल उससे बहुत कम दाम में लिया है। ठीक है, और कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इस मोबाइल का, तो वीडियो बनाना अच्छा रहेगा, थोड़ा क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगा। और ऊपर में आप देख सकते हैं रियलमी एक्स नाम है, पॉपअप जनरेशन यानी पॉपअप कैमरा वाला मोबाइल। तो अब हम इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और चलिए आपको थोड़ा बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है इसका जो रियर कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा जो पॉपअप कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का। ये 6.5 इंच का स्क्रीन है इसके अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है 17,999, लेकिन ये ऑफर में था दोस्तों फ्लिपकार्ट पे, और मैंने इसे 16,999 यानी 17,000 में लिया। और ये 4GB 128GB वाला वेरिएंट है दोस्तों, और ये पोलर वाइट कलर का है, जो कि अभी मैं ओपन करूँगा तो आपको दिख जाएगा। और मैंने इसे ओपन कर रखा है वैसे, और यूज भी किया इसे। तो यार दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा बात हमें लगा कि इसका जो कवर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कवर, इसमें मोबाइल लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। पहली बार मैंने ऐसा कवर देखा किसी मोबाइल के साथ। और यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल भी मिलता है आपको, और बाकी थोड़ा पेपर वर्क है। और मैंने इस मोबाइल को पहले यूज कर रखा है, अभी मैंने फिर से इसको अंदर डाल दिया था। ठीक है, तो ये इस कवर में था और बिल्कुल पोलर वाइट यानी वाइट कलर का है, और इसको हटाने के बाद ये और अच्छा लगेगा। तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चमक है और बहुत ज़्यादा अच्छा। कि इसका जो चार्जर है यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 वाट का चार्जर है, जो कि भूक फास्ट चार्जर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भूक लिखा हुआ है, और 20 वाट का चार्जर है जो कि बहुत तेज़ी से मोबाइल को चार्ज करता है। मैंने चार्ज करके देखा है, आज मैंने चार्ज किया था इसे, लगभग एक घंटे में तो फुल चार्ज कर दिया था। 70% होने में तो और ज़्यादा कम समय लगा था, लेकिन उसके बाद जो 30% हुआ उसमें समय लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो टाइप सी केबल है वो दिया गया है। दोस्तों अब बात करें इस मोबाइल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.5 इंच का बड़ा स्क्रीन यहाँ पे दिया गया है, और पीछे डुअल कैमरा आप देख सकते हैं जो कि एक 48 मेगापिक्सल का है, और सेकेंड वाला जो है कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। नीचे में रियलमी का ब्रांडिंग दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे में कोई कैमरा आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आगे पॉपअप कैमरा है जो कि आपको हम आगे दिखाएंगे। और साइड में यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है, और उसके बगल इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक का बटन है। और इसमें आप एक चीज़ गौर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो सिम ट्रे है उसमें सिर्फ डुअल सिम का सपोर्ट है, दो सिम लगेगा और मेमोरी कार्ड नहीं लगेगा। और मेमोरी कार्ड लगाने का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये 128GB वाला वेरिएंट से शुरू ही होता है, तो मेमोरी कार्ड लगाने का मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं पड़ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयरफोन का भी दिया गया है, और यहाँ पे टाइप सी केबल जो चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होगा उसका दिया गया है। तो हम यहाँ पे अनलॉक करके इस मोबाइल को देखते हैं। वैसे मैंने फिंगरप्रिंट वगैरह सारा कुछ सेट कर रखा है, तो हम इसको अनलॉक करके देखते हैं। यहाँ पे बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम किया दोस्तों, और को प्रेस कीजिएगा, उसके बाद स्क्रीन को स्लाइस ऊपर की तरफ कीजिएगा, आपका जो पॉपअप कैमरा है वो निकल के आपका फ़ोटो लेके और फोन से मोबाइल को अनलॉक कर देगा। ठीक, तो मैंने इस मोबाइल को अभी कुछ ज़्यादा यूज नहीं किया है, तो अभी कुछ ज़्यादा इसके बारे में बता नहीं पाऊँगा। वैसे फ़ोटो अच्छा आता है, अभी मैंने ज़्यादा फ़ोटो भी नहीं लिया, और आगे मैं यूज करूँगा, उसके बाद इसका पूरा डिटेल में आपका कुछ दिन यूज करके उसके बाद दोस्तों मैं इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। वैसे ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसका जो सेकंड चीज़ मुझे पसंद आया वो दोस्तों इसका चार्जर है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है, जो कि मैंने करके देखा है। ठीक है, और
और दोस्तों पॉपअप कैमरा भी बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि नया है, थोड़ा अच्छा लगता है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर जो आगे दिया गया है स्क्रीन पे वो भी काफ़ी। दोस्तों इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर दिया गया है जो कि इस मोबाइल को और भी बेहतरीन बनाएगा और बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा ये, इसमें गेम वगैरह भी खेलने में काफ़ी अच्छा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए।